हम में से कई लोग बचपन में कुछ बनने का एम्बिशन रखते हैं और बड़े होकर बहुत कम लोग उसी सेम एम्बिशन को पूरा कर पाते हैं। आज की हमारी ऑफिसर ने अपने बचपन के एम्बिशन को फॉलो किया और सक्सेसफुली उसे पूरा भी किया। आज हम बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर मैरिन जोसेफ की। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बैक स्टोरी इंस्पिरेशनल ऑफिसर। मैरिन जोसेफ का जन्म 20 अप्रैल 1990 में केरला के एर्नाकुलम में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश दिल्ली में हुई। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूलिंग सी वेंट टू सेंट स्टीफन्स कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि वो एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर बने और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए सी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। 2012 में उनकी चाइल्डहुड ड्रीम रियलिटी में बदली एंड सी सिक्योर्ड 188 रैंक वाइल बींग सिलेक्टेड फॉर पुलिस सर्विसेज एट द एज ऑफ 22। बट इट वॉज नॉट जस्ट अनदर सिलेक्शन, अपनी ज्वाइनिंग के साथ ही सी बिकेम द यंगेस्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर ऑफ केरला एंड कंटिन्यूड टू अचीव एक्लेड्स एंड प्रेजेस फॉर हर वर्क। टॉकिंग अबाउट वन सच वर्क, सी केम इन टू लाइमलाइट जब वो केरला से सऊदी अरेबिया गई टू नैब अ चाइल्ड रेप एक्यूज्ड। कम उम्र में ही उन्हें बड़ा नाम करना था और उन्होंने ऐसा किया भी। व्हेन सी बिकेम द यंगेस्ट ऑफिसर टू लीड द इंडियन डेलीगेट्स फॉर Y20 समिट। 2019 में उन्हें चेवनिंग स्कॉलरशिप मिला एंड सी वेंट टू ऑक्सफोर्ड टू परस्यू मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। In an interview, she said, "Cases to women and children are pretty close to my heart, and I take special interest in solving them. This quote is good learning opportunity for aspiring officers to serve the public in an ideal and uplifting way." और आज IPS मैरिन जोसेफ कोल्लम सिटी पुलिस कमिश्नर है। We hope ये यंग और इंस्पायरिंग ऑफिसर की कहानी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। This was all from today's episode of Backstory Inspirational Officers. मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्द ही। Till then, bye-bye.